गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर सेकंड। दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। फर्स्ट स्टेप हमारा था, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो उसको बुक में नोट डाउन किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक है तो नहीं किया जाता। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए सेकंड स्टेप था कि वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको दो या तीन स्टेप दिए थे, याद करो, और लिखने के लिए भी बोला था। अगर याद नहीं है तो आज फिर से सुन लो और ये याद रखना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंस है आपके लिए। टोटल फाइव स्टेप है जनरल एंट्री करने के लिए, इसमें फर्स्ट हो गए, आज सेकंड होगा। ये क्लियर हो गए ना तो आपका अकाउंट्स बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। अगर ट्रांजेक्शन में कैश, बैंक चेक, रिसीव या पेड, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ट्रांजेक्शन में कैश, बैंक चेक, रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड दिया है, ऐसा कोई वर्ड मेंशन किया है या मेंटेन किया है, सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। अगर ऐसा कोई वर्ड आपको दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड है तो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। ऐसा वर्ड मिल जाता है तो फर्स्ट स्टेप में ही आप आंसर दे दो कैश ट्रांजेक्शन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो स्टेप टू में जाना है, यानी कि कैश, बैंक चेक, रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है, फाइंड करना है कि किसी का नेम दिया है, किसी पर्सन या किसी फर्म का नेम है। हाँ सर, नेम है, तो अगर नेम है तो इट्स कॉल अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और सर नेम नहीं है, तो अगर नेम नहीं है तो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। ओके, सो फिर से फर्स्ट स्टेप, कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड है तो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, फाइंड अ नेम, नेम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नेम भी नहीं है तो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। तो आज हम यही देखने वाला हैं, इसके कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू में, वही आज सॉल्व करेंगे। आपको यही लिखना है कि दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू, डिस्क्राइब वेयर एवर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, रीज़न लिखूँगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर ऐसा लिखूँगा कैश है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो इलस्ट्रेशन नंबर टू, उसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर रुपीज 5000, गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ रुपीज 500। हमने 500 का गुड्स सेल किया है। ओके, सो चलिए, सो फर्स्ट स्टेप था हमारा कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड ऐसा कोई वर्ड है, चेक करो। हाँ सर, कैश वर्ड है ना, सो इट्स कॉल, बोलो क्या बोला जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, और देखो इसमें हमने गुड सेल किया है तो हमको कैश मिलेगा, सो कैश कम्स इन। सेकंड है, गुड्स परचेस फॉर रुपीज 8000, आज थाउजेंड ही निकल रहा है। सो हमने गुड्स परचेस किया है 800 का। सो चलिए फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं, कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड है इसमें, देखो तो नहीं है सर।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप यूज नहीं होगा। सेकंड स्टेप में जाते हैं, कोई नेम दिया है, फाइंड अ नेम। नो सर, यहां नेम भी नहीं है। तो अगर फर्स्ट स्टेप के यानी कि वर्ड्स भी नहीं है और नेम भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? कैश ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर थ्री, गुड्स ऑफ रुपीज 900 सोल्ड टू मीना। गुड्स ऑफ रुपीज 900 सोल्ड टू मीना। ओके, 900 का गुड्स हमने मीना को सोल्ड किया है। सो यूज कीजिए कैश है या क्रेडिट, तो उसके लिए कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड, ऐसा कोई वर्ड है इसमें? देखो तो नहीं है सर। चलिए नहीं है तो फाइंड अ नेम। किसी का नेम दिया है? हाँ सर, नेम है। चलिए अगर किसी का नेम है तो इट्स कॉल अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट नंबर फोर, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। फोर थाउजेंड का गुड्स हमने नूतन को कैश में सेल किया है। सो चलिए फाइंड करते हैं, हमारा वही रूल्स, कैश, बैंक, चेक, रिसीव या पेड, ऐसा कोई वर्ड है? हाँ सर, कैश वर्ड है। ओके, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसा बोलोगे सर इसमें तो नेम भी है ना, बट पहले फर्स्ट स्टेप यूज करो, अगर उसका आंसर फर्स्ट स्टेप में मिल जाता है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे ही स्टॉप करना है। सो नाउ नंबर फाइव, सैलरी पेड रुपीज 5000 चलिए सो यहां पे हम फाइंड करते हैं, कैश नहीं है, चेक नहीं है, बैंक नहीं है, रिसीव नहीं है, पेड, हाँ सर पेड वर्ड है। सो ये वर्ड दिया है, सो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 8000 सो यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप, कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड है? हाँ सर है, पेड वर्ड है, सो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर सेवन, गुड्स ऑफ रुपीज 200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। Receive as a free sample. So, यहां पे हमको गुड्स मिला है, वो भी फ्री में मिला है। तो याद रखो, कभी भी हमको कुछ भी फ्री में मिलता है, कभी भी हमको कोई भी गुड्स फ्री में मिलता है, तो उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अगर नॉन है तो कैश और क्रेडिट ऐसा कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर एट, फर्नीचर ऑफ रुपीज 5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। फर्नीचर ऑफ रुपीज 5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। चलिए देखते हैं, 5000 का फर्नीचर हमने श्रीजी फर्नीचर में से परचेस किया है, तो सबसे पहले
कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड, ऐसा कोई वर्ड है? नहीं है सर। चलिए तो फाइंड नेम, नेम दिया है? हाँ सर है, श्रीजी फर्नीचर नेम दिया है। चलिए नेम है तो इट्स कॉल अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आर यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के टॉपिक में। नंबर 9, ₹3,000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। एजेंट है या एजेंसी है? एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। पूरा लिख दूं? ओके। एडवर्टाइजमेंट। सो हमने यहां पे शाह एजेंसी को क्या किया है? पेड किया है। चलिए तो याद करते हैं, कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड, ऐसा कोई वर्ड है? हाँ सर है, पेड वर्ड। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। थोड़ा आगे लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। ओके। नंबर 10, कमीशन रिसीव ₹3,200। चलिए सो कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड, ऐसा कोई वर्ड है? हाँ सर, रिसीव वर्ड है। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर 11, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फॉर कैश। परचेज फॉर कैश। पेमेंट इज मेड बाय चेक। चलिए सो फाइंड कीजिए, कैश, चेक, बैंक, रिसीव, ऐसा कोई वर्ड है ना सर? कैश है, चेक है, दो दो वर्ड है। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर 12, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। चलिए सो कैश, चेक, बैंक, रिसीव या पेड, ऐसा कोई वर्ड? सर चेक है। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर 13, रेंट रिसीव बाय चेक ₹500। सो फाइंड कीजिए, कैश, बैंक, चेक, रिसीव, ऐसा कोई वर्ड है? हाँ सर चेक है ना। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। नंबर 14, टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। सो फाइंड कीजिए, फर्स्ट स्टेप हमारा कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड है सर, पेड भी है, चेक भी है। सो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट वन नंबर 15,
अ चेक ऑफ रुपीज 3000 इश्यू टू लक्ष्मीबेन फॉर हिज ड्यूज. लक्ष्मीबेन को हमने चेक दिया था, लक्ष्मीबेन ने हमको दिया. चलिए चलिए देखते हैं इसमें कैश बैंक चेक रिसीव या पेड ऐसा कोई वर्ड है. हाँ सर, चेक वर्ड है, सो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन, राइट. तो ये सारे थे, आपको पता चले कि कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोला जाता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स. ओके, सो अब हम ये सेकंड स्टेप फिनिश करते हैं. उसके बाद थर्ड स्टेप है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर थर्ड स्टेप कब पता चलेगा, जब फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप दोनों का पता चलेगा तब. उसके अलावा आपको ये पता नहीं चल सकता है. थर्ड स्टेप में आप एंट्री नहीं कर सकते, कुछ भी पता नहीं चलेगा. एक बार आप इसको देख लो. फिर इसके बाद एक टॉपिक है बीच में वाउचर वाला, वो हमने वैसे भी करवा दिया है, पर एक बार देख लेते हैं. ओके, सो नाउ वाउचर देखते हैं. वाउचर किसको बोलते हैं, द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर. पिलर बोला जाता है अकाउंट्स का, क्यों? तो वाउचर इज एन रिटन डॉक्यूमेंट. वाउचर इज एन रिटन डॉक्यूमेंट, लास्ट में हमने देखा था भी सही. वाउचर का दूसरा नाम है बिल, ये भी मैंने समझाया था आपको फर्स्ट चैप्टर्स में. ओके, सो कोई भी बिल होता है, वो बिल के हिसाब से ही हमको ट्रांजेक्शन पता चलता है, क्योंकि हियर इज अ मैनी टाइप ऑफ बिल, परचेस बिल, सेल्स बिल्स, परचेस रिटर्न बिल्स, सेल्स रिटर्न बिल. आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, उसके लिए पे इन स्लिप भरते हो ना, तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो वाउचर या बिल. किसी को आप पेमेंट करते हो चेक से, चेक देते हो, सो इट्स कॉल्ड ऑल्सो वाउचर. ओके, सो ऐसे काफ़ी टाइप्स के वाउचर्स होते हैं. ओके, तो ये वाउचर के हिसाब से हम अकाउंट्स लिखते हैं, यानी कि अकाउंट्स लिखने के लिए पिलर किसको बोला जाता है, वाउचर को बोला जाता है. और जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका रिटर्न प्रूफ, इट्स अ वाउचर. तो रिटर्न प्रूफ बोला जाए तो वो भी वाउचर है, और पिलर बोला जाए तो भी वाउचर है. और ये वाउचर के हिसाब से ही हम पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, और ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही हमको पता चलता है कि अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स लिखने हैं, कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कौन से नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कौन से कैश है या क्रेडिट है. यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हैं, देखो, सेल्स बिल, परचेस बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट. तो ये गुड्स रिटर्न करने के लिए आता है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट. आगे आएगा तब हम डिटेल्स में जाएंगे. फिर काउंटर फॉइल ऑफ चेक, यानी कि चेक की बात कर रहे हैं. पे इन स्लिप, यानी कि जो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तब की बात है. रिसिप्ट इश्यू, यानी कि जब हमको कैश मिलती है तब हम रिसिप्ट इश्यू करते हैं. रिसिप्ट रिसीव, यानी कि हम कैश जब देते हैं तब हमको रिसिप्ट मिलती है, यानी कि पेमेंट किया उसका, उसको बोलेंगे रिसिप्ट. रिसिप्ट रिसीव, और अगर हमको कैश मिलता है यानी कि पेमेंट मिलता है तो हम रिसिप्ट इश्यू करते हैं. और एक्सपेंस, काफ़ी सारे एक्सपेंस के बिल्स होते हैं. तो ये टाइप्स ऑफ वाउचर्स थे. इसमें तो सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं ड्यूअल इफेक्ट्स. सो वो आज तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग या फिर ट्रांजेक्शन. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.